नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा साइन ऑफ डिजीज इन बर्ड्स, यानी जब आपका पक्षी बीमार होता है तो आप उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको आप देख के डायग्नोज कर सकते हो कि आपके पक्षी में कोई ना कोई बीमारी के सिम्टम्स। जैसे आपने देखा होगा नेचर के अंदर एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड है, उसमें एक बीमार पक्षी है, एक उड़ने वाला बाज उन हजारों पक्षियों में से उस बीमार पक्षी को आइडेंटिफाई कर लेता है। यानी कि जो हमारी जो देखने की नजर है बाज की तरह होनी चाहिए कि हम अपने जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं जो आपकी एवियरी के अंदर हैं उसमें से उसको आइडेंटिफाई कर सके, कि बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बीमार है कौन सा ठीक है, हेल्दी बर्ड्स के बीच में से एक बीमार बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए कि आपके 10 से 15 मिनट आप डेली अपने बर्ड्स के साथ बिताइए, तो सबसे पहले है जब आप अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें देखिए जो नॉर्मली बीमार बर्ड्स होगा, बीमार बर्ड्स जो क्या होगा आपके जो पर्चीज हैं उनके नीचे जाके कॉर्नर्स में जाके बैठना शुरू करेगा। फ्लोर ऑफ द रूफ मतलब जो आपका रूफ जमीन है उसके ऊपर एक कॉर्नर में जाके बैठना शुरू करेगा, या पिंजरे के अंदर एक साइड में अपनी चोंच को पिंजरे के ऊपर लटका करके ऐसे लटका रहेगा, नॉर्मली नॉर्मल पोस्चर में कभी नहीं बैठेगा। अपना सर पंखों के नीचे दबा करके एक कोने में बैठा रहेगा, बर्ड्स काफी वीक हो जाएगा, उसकी जो फेदर कंडीशन होगी आप देखोगे काफी पुअर होगी, और एक कोने में बैठकर अपने पंखों को एक एक करके नोचना शुरू कर देता है। वो आप कह सकते हो कि वीकनेस की वजह से भी है या आपका बर्ड स्ट्रेस कंडीशन में भी है, उस कंडीशन में भी अपने फेदर्स को एक एक करके नोचना शुरू कर देता है। बर्ड्स की आईज नोट करेंगे, आईज काफी डल हो जाएंगी, आईज में से आपको पानी दिखेगा या आईज में कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। नोज देखेंगे, नोज नेजल डिस्चार्ज भी आपको कई बार देखने को मिल सकता है, या आप बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स को नोट्स करेंगे, ड्रॉपिंग्स में भी आपको काफी चेंजेस मिलेंगे। अब मैं एक एक करके आपको थोड़ा चेंजेस बताऊंगा कि आपको पहले क्या नोटिस करना है उसके बाद क्या ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले जो है आपको बर्ड्स के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चीज आपको सबसे पहले नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हेल्दी बर्ड्स के बिहेवियर में और एक बीमार बर्ड्स के बिहेवियर में दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एक्टिविटी, हेल्दी बर्ड्स हमेशा एक्टिव होगा और जो आपका बीमार बर्ड्स होगा इनएक्टिव होगा, डल होगा, एक कोने में जाके बैठ जाएगा। हेल्दी बर्ड्स की जो वोकलाइजिंग साउंड्स है वो डिफरेंट होगी, और बीमार होने के बाद जो उसकी वोकलाइजिंग साउंड्स होगी उसमें भी काफी चेंजेस नजर आएंगे, आवाज एकदम चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इन दोनों के कंपैरिजन भी आप बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके बर्ड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ड्रॉपिंग विंग्स यानी आपका जो बीमार बर्ड्स है अपने दोनों पंखों को नीचे करके एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा, बैठा बैठा एक कोने में कांपना शुरू कर देगा, सीजर्स आ जाएंगे। जैसे फिट्स के केसेस में होता है बर्ड्स बैठा बैठा एक जगह हिलता रहता है, वो वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, बीमारी की वजह से भी। आपका बर्ड्स एक कोने में बैठ के दोनों आंखें बंद करके सोना शुरू कर देगा, जबकि नॉर्मली हेल्दी कंडीशंस में बर्ड्स कभी भी इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं, लेकिन बीमार होने पे वो आंखें बंद कर करके खड़े खड़े में ही सोना शुरू कर देते हैं, ये भी एक बीमारी का एक सिम्टम्स है। पुअर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी आपका बर्ड्स एक कोने में बैठा है यानी आपने उसको डिस्टर्ब करना शुरू किया, वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, इट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। उस बर्ड्स को इमीडिएट आप अपने बर्ड से अलग कीजिए और उसका ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको इमीडिएट मेडिकेशन की जरूरत है। बर्ड्स के बिहेवियर में अचानक चेंजेस हो जाता है, यानी आपने अभी इमीडिएट अब बर्ड्स को खाना दिया है, उसने पूरा खाना शुरू कर दिया है, अब बर्ड्स और खाना मांगना शुरू कर देता है, आपने सेकेंड टाइम दिया फिर और खाना शुरू करता है, यानी जो बिहेवियर चेंजेस हैं एकदम से खाना इनटेक ऑफ फूड बढ़ जाता है, वो भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। उसमें भी आप एक जजमेंट कर सकते हो कि आपके बर्ड्स के साथ कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम, या आपके जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं उनके कलर्स में क्या चेंजेस होता है, उसकी क्वांटिटी में क्या होते हैं, उन चीज़ों से भी आप थोड़ा जज कर सकते हो कि आपके बर्ड्स में कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो नहीं, या आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो है तो नहीं। यदि आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स में कोई चेंजेस है, बर्ड्स ने एकदम ड्रॉपिंग्स बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दी या एकदम कम काफ़ी कम कर दी, वो भी एक इंडिकेशन बर्ड्स आपका किसी बीमारी से ग्रसित है। नॉर्मली यूरिन का जो कलर होता है क्लियर होता है, एकदम क्लियर कलर का यूरिन्स जो है बर्ड्स करते हैं, यदि यूरिन्स के कलर्स में कोई चेंजेस आते हैं तो इमीडिएट आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपके बर्ड्स में फीकल मेट्री फीकल जो करता है उसमें एकदम कंसिस्टेंटली चेंजेस आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा वाटरी करना शुरू करते हैं, वाटरी यानी डायरिया लग गया है,
इट मींस उसमें कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपने इमीडिएट उसके को फीड में चेंजेस किया हो, फीड में चेंजेस करने की वजह से भी उसके ड्रॉपिंग्स में चेंजेस आ सकता है। तो आप इमीडिएट नोट वो चीज़ को नोटिस कीजिए और उसको फाइंड आउट कीजिए किस रीजंस की वजह से ये इमीडिएट बर्ड्स के ड्रॉपिंग्स में चेंजेस हुए। ब्लडी ड्रॉपिंग्स, यानी आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स ने ड्रॉपिंग्स की है, उसमें से ब्लड्स के एक दो ड्रॉप्स आ रहे हैं, ये काफ़ी एक अलार्मिंग इश्यू होता है कि आपके बर्ड्स की पॉटी के अंदर यदि ब्लड आ रहा है, वो एक काफी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम होती है बर्ड्स के अंदर। आप उसको इमीडिएटली फाइंड आउट कीजिए कि उसका रीजंस क्या है। आपके बर्ड्स ने ड्रॉपिंग्स की, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जैसा फूड उसने खाया था वो बिना डाइजेस्ट किया हुआ यदि ड्रॉपिंग्स के साथ आ जाता है, वो भी एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है कि आपके बर्ड्स के डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो फूड एज सच अनडाइजेस्टेड उसकी पॉटी में निकल रहा है। तो उसको तुरंत नोटिस कीजिए और उसका तुरंत निदान कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके बर्ड्स के साथ। आपका बर्ड्स नॉर्मली बैठा हुआ है, आप उसके हेड के पोस्चर्स को देखें या हेड में क्या क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे एक बीमार पक्षी में, स्वस्थ पक्षी में। आप नॉर्मली बर्ड्स की आईज को ऑब्जर्व कीजिए, आपके बर्ड्स की आईज में कोई रेडनेस तो नहीं है, बर्ड्स की आईज में से कोई पानी तो नहीं आ रहा है, या आपका बर्ड्स नॉर्मली आंख बंद करके या हाफ क्लोज और हाफ ओपन आईज की कंडीशन में तो नहीं बैठा हुआ है, या नोस्टिल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, या आपके बर्ड्स के माउथ में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। या बर्ड्स का कई बार क्या होता है, हेड का एक पोर्शन में स्वेलिंग होती है, एक नॉर्मल होता है, ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके बर्ड्स को कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते थे। इस तरह के बर्ड्स को भी तुरंत अपने बर्ड्स को दूसरे बर्ड से अलग कीजिए और उसका ट्रीटमेंट करो। कई बर्ड्स कॉकटूस के केस में देखा गया है कि बर्ड्स का जो बीक का कलर हो ब्लैक कलर का होना चाहिए, और ये जो ब्लैक कलर एक इंडिकेशन है PBMD यानी सेटेकोसिस बी एंड फेदर डिजीज के केसेस में कॉकटूस में जो है बीक का कलर है ब्लैकिश हो जाता है। इस तरह का यदि कोई भी इंडिकेशन आपको अपने बर्ड्स में नजर आता है, बीक जरूरी नहीं कि ब्लैक ही होता है, ये कोई भी नॉर्मल कलर के अलावा अगर चेंजेस आता है तो इट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन योर बर्ड्स। इमीडिएट उस बर्ड्स को आप अलग कीजिए, उसका ट्रीटमेंट करिए। लॉस ऑफ सिमेट्री, यानी आपके देखिए आपके एक बर्ड्स की आईज छोटी हो गई है और एक नॉर्मल है, यानी एक आईज में स्वेलिंग आ गई है। यदि इस तरह भी आप कोई कंपैरिजन बर्ड्स में आप करते हैं तो उसमें कोई आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या कोई आई में इंजरी हो सकती है, आप उसको तुरंत नोटिस कीजिए, उसको अलग कीजिए अपने दूसरे बर्ड्स से। कई बार देखने में आया है कि बर्ड्स के आईज के अराउंड यानी आंख के चारों तरफ जो है फेदर्स एक एक करके रिमूव होना शुरू हो, वो किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं या आईज में कोई इरिटेशन या एलर्जी की वजह से। उस कॉज को फाइंड आउट कीजिए इमीडिएट, उसको बर्ड्स को आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको अपने जो दूसरे बर्ड्स हैं उनसे डिफरेंट बिल्कुल अलग सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट करवाइए। बर्ड्स के फेदर्स में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, नॉर्मल हेल्दी बर्ड्स का फेदर जो है शाइनिंग करता होता है, एकदम ब्राइट करता होता है। यदि आपका पक्षी बीमार है फेदर्स डल हो जाएगा, बर्ड्स एक एक करके अपने फेदर्स को निकालना शुरू कर देगा, या जहां से जो नए फेदर्स आएंगे उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होंगे, या पूरी बॉडी पे जो पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे जैसे किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। इस तरह के बॉडी में यदि आप कोई चेंजेस देखते हैं बर्ड्स में, आप उसको तुरंत सेपरेट करके उसका इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। सपोज कीजिए आपका बर्ड्स बैठा है, हो सकता है बर्ड्स के लेग्स को ऑब्जर्व कीजिए, हो सकता है बर्ड्स में यदि कोई जॉइंट्स में कोई स्वेलिंग हो आप उसको तुरंत नोटिस कीजिए, हो सकता है वो स्वेलिंग फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकती है आपके बर्ड्स में या किसी स्प्रेन की वजह से भी हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट तुरंत चालू कर दीजिए, अभी अपने बर्ड्स को सेपरेट कर दीजिए। कई बार बर्ड्स में क्या होता है लेग्स के ऊपर क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, यानी रैशेस टाइप के बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके बर्ड्स में कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, उसको भी आप तुरंत अपने दूसरे हेल्दी बर्ड से सेपरेट कीजिए, उसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट। दूसरा एक जो सबसे कॉमन होता है बर्ड्स में, बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप आइडेंटिफाई करके बर्ड्स के जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है और कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद रेस्पिरेशन होता है, उनमें दोनों में काफी डिफरेंस हो। आपका बर्ड्स काफी जोर जोर से सांस ले रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, या सांस लेते वक्त आपका बर्ड्स अपनी टेल्स को बराबर ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी उसको सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि उसकी टेल से बार बार ऊपर नीचे हो रही है, इसको बॉबिंग ऑफ द टेल बोलते हैं। ये जो है सारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आपका बर्ड्स जो है किसी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज
से ग्रसित है, आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए और डॉक्टर्स के द्वारा जो भी उचित मेडिकेशन है आप उसको फॉलोअप कीजिए। बर्ड्स के नोस्टिल्स में से यदि कोई डिस्चार्ज हो रहा है या आपके बर्ड्स की जो नॉर्मल साउंड्स है उसमें एकदम चेंजेस आ रहे हैं, यानी बर्ड्स जब नॉर्मल रेस्टिंग पोजिशन में बैठा है अब वो सांस ले रहा है और उसके सांस के द्वारा आप उसको आप अगर बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो उस जब वो सांस लेता है उसमें विस्लिंग साउंड्स आपको सुनाई देंगे, यानी सीटी जैसी साउंड्स यदि आपको सुनाई देती है इट मीन्स कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है बर्ड्स के नॉस्टिल्स वगैरह में, उसकी वजह से ये साउंड्स आ रही है। आपको तुरंत अपने बर्ड्स को सेपरेट कर दे क्योंकि ये क्या है एक से दूसरे बर्ड्स में होने के चांसेस होते हैं, आप उसको सेपरेट करके इमीडिएट उसका मेडिकेशन चालू कर दीजिए। आपके बर्ड्स ने जरा सी एक्सरसाइज की यानी और एक्सरसाइज करने के बाद आपका बर्ड्स एकदम थक जाता है, जोर जोर से लंबे लंबे सांस लेना पड़ता है, ये भी एक हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। आपके बर्ड्स में हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम हो गया हो, उस कंडीशन में भी ये सिम्टम्स आते हैं कि सांस लेने में बर्ड्स को काफी दिक्कत होती है। आप तुरंत अपने बर्ड्स का ब्लड सैंपल लेके लैब में भेजिए, उसको आइडेंटिफाई हीमोग्लोबिन या उसके TLC वगैरह चेक करके किस इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ है। बर्ड्स के खाने और पीने की आदत में यानी बर्ड्स के आपका बर्ड जो नॉर्मल में खाना लेता है एकदम उसका खाने का इंटेक बढ़ गया है, बर्ड्स ने एकदम पानी काफ़ी पीना शुरू कर दिया है या एकदम पानी स्टॉप कर दिया है ये भी कुछ इंडिकेशंस हैं, ये साइंस भी आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके बर्ड्स में कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो गया है। आपको उस कारण को आप तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए और उसका निदान कीजिए। यदि आपका बर्ड्स बीमारी है उसका डे बाय डे जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वो भी एक ये सिम्टम्स सिर्फ ये है कि आप एक हेल्दी बर्ड्स और एक बीमार बर्ड्स में आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि आपने अपने बर्ड्स को स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लिया है किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू से, आपने उसको जल्दी डायग्नोस कर लिया है, उसको आप तुरंत किसी डॉक्टर के पास ले गए तो आपका बर्ड्स जितने जल्दी कोई भी डिजीज डायग्नोसिस होगी तो उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपका बर्ड्स जो है ठीक हो जाएगा। यदि आपको बर्ड्स से रिलेटेड और आपका कोई क्वेश्चन है या आपको सुझाव देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।